इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। आपको बता दें कि टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज केएल राहुल चोट के चलते तीसरे टेस्ट मैच से हो गए हैं बाहर। पहले टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हुए थे केएल राहुल, चोट के चलते दूसरा टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाए थे। अब यहां पर केएल राहुल के तीसरे टेस्ट मैच को भी मिस करने की खबरें सामने आ रही हैं। केएल राहुल का टीम इंडिया में ना होना टीम इंडिया को बहुत ज्यादा कमजोर कर सकता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेटरों को एक कड़ा संदेश भेजा है। दावे के मुताबिक बीसीसीआई का मानना है कि आईपीएल पर ध्यान केंद्रित करने से पहले रणजी ट्रॉफी को प्राथमिकता देनी होगी। ये चेतावनी कुछ खिलाड़ियों की रिपोर्ट के बीच आई है, जिसमें ईशान किशन भी शामिल हैं, जो रणजी ट्रॉफी ना खेलकर आईपीएल 2024 के लिए जमकर अभ्यास कर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दिया है। रविवार देर रात पहुंचे रोहित शर्मा और अन्य प्लेयर्स सोमवार को सुबह मैदान पर अभ्यास के लिए पहुंचे। दूसरे टेस्ट से बाहर हुए केएल राहुल, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा अन्य मैचों के लिए स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रीस टॉपले अपनी चोटों से इन दिनों काफी परेशान है। बाएं हाथ के गेंदबाज को चोटिल होने के चलते 17 फरवरी से शुरू होने जा रहे पीएसएल से बाहर कर दिया गया है। टॉपले पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेलते हुए नजर आते थे। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम की हार के बाद पाकिस्तानी फैंस खिलाड़ियों को ट्रोल कर रहे थे। अब इन ट्रोलर्स को इरफान पठान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पठान ने लिखा कि अपनी अंडर 19 टीम के फाइनल में ना पहुंचने के बावजूद सीमा पार के कीबोर्ड योद्धाओं को हमारे युवाओं की हार पर खुशी मिलती है। इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा है कि यह सीरीज के लिए शर्म की बात है कि वे नहीं खेलेंगे, लेकिन भारत ने आखिर टेस्ट जीत ही लिया है। कोहली एक बेहतरीन खिलाड़ी है, उनका जुनून, उनका जोश, लेकिन जाहिर तौर पर व्यक्तिगत मामले हमेशा प्राथमिकता में रहते हैं, लेकिन ये युवा खिलाड़ियों को भी बेहतरीन मौका देता है। श्रेयस अय्यर एक बार फिर से पीली जर्सी पहनकर नजर आएंगे। वे इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग के उद्घाटन सीजन से मैदान पर लौट रहे हैं। T20 टूर्नामेंट के पहले सीजन में सुरेश रैना उत्तर प्रदेश की टीम का नेतृत्व करेंगे। ये टूर्नामेंट 23 फरवरी से 3 मार्च तक खेला जाएगा। साथ ही रजत भाटिया और डेनियल क्रिश्चियन को सुरेश रैना की टीम में साथ जोड़ा गया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारत को 79 रनों से हरा दिया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम ने भारतीय टीम को 254 रन का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम 174 रन पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी 50 रन का आंकड़ा नहीं छू सका। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के बीच इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है। स्टार गेंदबाज जैक लीज इस सीरीज से बाहर हो गए। इंजरी के कारण उन्हें सीरीज के बचे हुए मुकाबले से बाहर होना पड़ा है। बता दें उन्हें पहले मैच के दौरान चोट लगी थी। जैक लीज दूसरा मुकाबला भी इंजरी के कारण नहीं खेल सके थे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा अब तक टेस्ट मैचेस में 56 मुकाबले खेल चुके हैं, लेकिन राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में उन्होंने अभी तक एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। ऐसे में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरा टेस्ट मैच राजकोट में रोहित शर्मा का पहला टेस्ट मैच होगा। हालांकि वे इस मैदान पर भारत के लिए वनडे और T20 मैच खेल चुके हैं।